ग्रीष्मा वेकरिया हत्या केस में दिल्ली कोर्ट में कार्यवाही चल रही है। जज विमल व्यास के कोर्ट में मंगलवार के दिन ग्रीष्मा की मम्मी और फैनिल के मौसी के लड़के आकाश की जुबानी ली गई। ग्रीष्मा की मम्मी ने कोर्ट में बताया कि हम लोग घर के बाहर बैठे थे, तब सोसाइटी में फैनिल आया तो आवाज़ आने लगी, तो ग्रीष्मा के काका और भाई ध्रुव बाहर निकल के बाहर गए और हमने देखा कि ग्रीष्मा के काका के पेट में से खून निकल रहा था। हम लोग दौड़ के बाहर गए तो उस टाइम ग्रीष्मा भी बाहर आ गई, तो फैनिल ने ग्रीष्मा को पकड़ लिया और गले पे छुरी रख दी, और ध्रुव ग्रीष्मा को बचाने एक कदम आगे गया तब फैनिल ने ग्रीष्मा की गर्दन पे छुरी घुमा दी। जैसे नल में से पानी निकलता है वैसे गर्दन पे से खून निकलने लगा और ग्रीष्मा नीचे गिर गई, और फैनिल ने जेब में से कुछ निकाल के खाया और बोला आज सबको मार डालूँगा। और ये बताते बताते ग्रीष्मा की मम्मी रो पड़ी और उसके बाद उसे कोर्ट में पानी और बैठने के लिए कुर्सी दी गई। और बुधवार को FSL अधिकारी और केस में तपास करने वाले पुलिस अधिकारियों की भी जुबानी ली जाएगी। और हमें लगता है कि अब इस केस का निकाल बहुत ही जल्द आने वाला है और ग्रीष्मा को न्याय बहुत ही जल्द मिलने वाला है और अपराधी को सज़ा भी मिलेगी।